आज का लेसन है अपना लेसन नंबर 21, सॉरी लेसन नंबर 25 के बारे में अपन चर्चा करेंगे और 12th है बायोलॉजी। लेसन का नाम अपना मानव उत्सर्जन तंत्र, जो कि एक काफ़ी शानदार चैप्टर है, चाहे अपने 12वीं की दृष्टि से देख लीजिए या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यह देखने को मिलता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसे आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अपने लेसन का जो मीनिंग होता है, यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या मानव का उत्सर्जन तंत्र, तो अपने को पहले तो यह पता होना चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। अपने को क्या पता होना चाहिए, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और साथ में अगर अपन देखें तो उत्सर्जन क्या होता है, इन दो की जानकारी होना अपने को अनिवार्य है। अगर अपने को यही नहीं पता उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो पाठ को पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत से तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अपन ने पहले परिसंचरण तंत्र भी पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि अपना जो मानव शरीर है वह सूक्ष्मतम इकाई जो पाई जाती है कोशिका होती है, जिसे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, एक समान जो कोशिकाएं होती है यह मिलकर क्या करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक जो होते हैं टिश्यूज, वह शरीर में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र क्या करते हैं, एक विशेष क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अंग तंत्र का ये एक जो अपन टाइप देखें तो अंग तंत्र ही क्या है, एक प्रकार का ये उत्सर्जन तंत्र भी अंग तंत्र का ही पार्ट है, क्योंकि अंग तंत्र में अपन देखते हैं शरीर के, जैसे पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, उत्सर्जन तंत्र आता है, परिसंचरण तंत्र आता है, ये सारे उसी में माने जाते हैं। तो अंग तंत्र जिसमें बहुत से अंग शामिल होते हैं, अब उत्सर्जन तंत्र में भी अपन देखते हैं जैसे वृक्क आ जाता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग वगैरह सभी को शामिल करते हैं, तो वह उत्सर्जन तंत्र होता है। यानी मानव शरीर में पाया जाने वाला अंगों का ऐसा समूह है या तंत्र जो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने का कार्य करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। देखो उत्सर्जन का मतलब होता है सामान्य अगर अपन देखें तो त्याग करना, त्याग करना, या अपन कहते हैं बाहर निकालना, यह उत्सर्जन का सामान्य अर्थ माना जाता है, या स्त्राव करना भी कह सकते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर क्या होती है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, यानी उपापचयी क्रियाएं जो चलती रहती है, उन उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप अपन मानते हैं शरीर के अंदर कि कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए जो क्रिया होती है ना, वह क्या होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, और इसके लिए जो तंत्र जिम्मेदार होता है वह क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया मानव शरीर में उपापचयी क्रियाएं, मानव शरीर में उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब ये उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो उपापचयी क्रियाएं अपन मान सकते हैं श्वसन, पाचन वगैरह जो भी है, यह सारी के एक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है। उपापचयी क्रिया से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उपापचय, यानी कि ये मान लीजिए क्या है, उपापचय। उपापचय को अगर अपन डिवाइड करें तो दो वर्ड देखने को मिलते हैं, दो शब्द अगर अपन देखें किन से मिलकर बना है, एक तो अपन मानेंगे उपचय, एक तो उपचय वर्ड, और एक क्या आता है अपने अपचय आता है। एक तो क्या आता है स्टूडेंट्स, उपचय आता है, और एक क्या आता है, अपचय आता है। उपचय का मतलब क्या होता है, यह जो उपचय होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इस उपचय में
का मतलब होता है निर्माण होना, इससे उपचय का मतलब क्या होता है निर्माण होना, और अपचय जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है विघटित होना या अपघटित होना, विघटित होना या अपघटित होना यह माना जाता है। तो ये उपचय और अपचय दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, उपापचय का निर्माण करते हैं। यानी कि शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिसमें पर मान सकते हैं किसी पदार्थ का निर्माण भी होता है और उसका विघटन भी होता है, तो उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं उपापचय क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं पाचन की जो क्रिया होती है डाइजेशन की, उसके फलस्वरूप अपनी बॉडी के अंदर क्या बनता है ग्लूकोज का क्या होता है निर्माण होता है। पाचन क्रिया में क्या होता है ग्लूकोज का क्या होता है निर्माण होता है। यानी अपन जो भी भोजन वगैरह ग्रहण कर रहे हैं उसका अपने को क्या मिल रहा है जो रस मिल रहा है वही एक प्रकार का क्या होता है ग्लूकोज होता है। लेकिन जब अपन क्या करते हैं श्वसन क्रिया करते हैं, जब अपन क्या करते हैं श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया में अपने को पता है क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन भी होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो पाचन क्रिया में तो अपन ने माना कौन सी क्रिया हो रही है उपचय क्रिया हो रही है, और श्वसन की अगर बात करें तो कौन सी हो रही है वहां पर अपचय क्रिया हो रही है। किस आधार पर ग्लूकोज के आधार पर। तो इसी प्रकार की रिएक्शंस अपनी बॉडी में चलती रहती है उपापचयी क्रियाएं, उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपन मानते हैं कि शरीर के अंदर किसका निर्माण होता है अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। शरीर के अंदर किसका निर्माण होता है अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या शरीर में उनकी आवश्यकता नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब मुख्य रूप से अगर अपन देखें शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, तो एक तो देख लीजिए अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा देखें तो जल आता है H2O जो होता है वह भी अपन मानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। इसके अलावा देखिए पसीना जो आता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा, पसीना भी यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखें तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो नाइट्रोजन के विघटन से निर्मित होते हैं, इसमें मुख्य कौन कौन से हैं अमोनिया आता है, यूरिया आता है, और एक कौन सा आता है स्टूडेंट्स यूरिक अम्ल आता है। ये अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि CO2 H2O पसीना नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जिसमें अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना इनका त्याग उत्सर्जन के रूप में शरीर से होता है। CO2 का अगर देखें तो अपन देख सकते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा यह क्या होती है शरीर से बाहर निकलती है। जल वगैरह जो होता है वह अपन देखते हैं पसीने के रूप में बाहर निकलता है, जल जो होता है पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर जल पसीने के रूप में भी बाहर निकल रहा है और इसके साथ में मैं कह सकता हूँ मूत्र के रूप में भी बाहर निकलता है। अब पसीना जो है वह भी एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अपन मानते हैं जो अपन मान सकते हैं स्वेट ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, इसलिए इसके बारे में विशेष अपने को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अपन कहते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा क्या किए जाते हैं त्यागे जाते हैं। तो CO2 का त्याग श्वसन क्रिया के द्वारा, H2O जो अपन देखते हैं पसीने व मूत्र के द्वारा त्याग कर सकते हैं, और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह मूत्र मार्ग के द्वारा त्याग किए जाते हैं। तो ये बात थी अपशिष्ट पदार्थों की। तो अब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, या कह सकते हैं कि जो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र जिम्मेदार होता है वह तंत्र तो कौन सा होता है आपके उत्सर्जन तंत्र होता है, और वह क्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट्स, वह क्रिया होती है उत्सर्जन क्रिया होती है। और इस उत्सर्जन क्रिया में जो सहायक अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। अब उत्सर्जन क्रिया में अपने को पता है सहायक अंग कौन कौन से होंगे, अपनी किडनी आती है जो मुख्य उत्सर्जन अंग मानी जाती है, किडनी मानते हैं। किडनी के अलावा अगर अपन देखें तो मूत्रवाहिनी वगैरह आती है, मूत्राशय आते हैं और मूत्र मार्ग आता है। तो ये तो बात हुई नॉर्मल उत्सर्जन के बारे में।
अब अपन बात करते हैं मानव के द्वारा उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं या जीवों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे यहां पर कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका त्याग जीवों के द्वारा कैसे होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट का त्याग, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मैंने आपको बताया अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, अमोनिया के बारे में अपन बात करेंगे, अमोनियम या अमोनिया कह सकते हैं इसके बारे में। देखिए, अपन ने पढ़ा है कि अमोनिया क्या है, एक विषैली प्रकृति का अपन मान सकते हैं, अमोनिया विषैली प्रकृति का होता है, शरीर के लिए ये क्या होता है, हानिकारक अपन इसे मानते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अपन कह सकते हैं अमोनिया की जो प्रकृति होती है कि यह क्या है, जल में क्या है, घुलनशील होते हैं, जल में अपन मान सकते हैं कि घुलनशील होते हैं, और घुलनशील प्रकृति होने के कारण ही अपन कहते हैं कि अमोनिया को शरीर से बाहर त्यागने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से कौन से जीव जो होते हैं वह अमोनिया को जल के रूप में त्यागेंगे, तो श्योर है कि जो जलीय जीव होंगे वही ये कार्य कर सकते हैं, जो जलीय जीव है ना वही ये कार्य करेंगे। तो जलीय जीवों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अब इसमें आगे अपन देखते हैं कि अमोनिया का जो त्याग करते हैं ना, अमोनिया का जो त्याग करते हैं उन जीवों को अपन क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक के नाम से अपन जानते हैं। अमोनिया त्याग करने वाले जो जीव होते हैं उनको अमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं। और जो मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि यह जो क्रिया होती है अमोनिया का त्याग करने की, उसे अमोनोटेलिज्म के नाम से अपन जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अमोनिया क्या है, विषैला, विषैला हानिकारक पदार्थ अपन इसे मान सकते हैं, विषैला हानिकारक पदार्थ होता है, यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, अमोनिया क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, इसे शरीर से त्यागने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, कब है, जब इसे शरीर से बाहर त्यागना होता है। तो अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से कौन इसका त्याग करते हैं, जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु अपन मान सकते हैं अमोनिया का त्याग करते हैं। अब जो अमोनिया का त्याग करने वाले जीव अमोनिया त्याग करने वाले जीव जो होते हैं ना, उन्हें तो क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक जीव या प्राणी के नाम से अपने जानते हैं, अमोनोटेलिक प्राणी कहेंगे। और अगर पूछ लिया जाए अमोनिया त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमोनिया त्याग की जो प्रक्रिया होती है ना स्टूडेंट, उसे कहते हैं अमोनोटेलिज्म के नाम से अपने जानते हैं। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है, अमोनोटेलिक प्राणी और अमोनोटेलिज्म रिएक्शन, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि अमोनिया त्याग करने वाले जीव कौन से होते हैं, तो जलीय जीव तो बता दिए, लेकिन इसमें अपन कह सकते हैं जैसे प्रोटोजोआ संघ है, मोलस्का संघ है, पोरीफेरा संघ है, हाइड्रा, एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपोडा संघ और अलवणीय अपन मानते हैं मछलियां वगैरह इसमें शामिल है। तो एग्जांपल अगर देखें तो देखिए प्रोटोजोआ संघ के जीव, प्रोटोजोआ के अलावा जो जलीय मोलस्का संघ के जीव अपन मान सकते हैं, एनेलिडा संघ के जीव मान सकते हैं, और जलीय जो आर्थ्रोपोडा संघ है, आर्थ्रोपोड्स जो जीव होते हैं
जो जल में पाए जाते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो अलवणीय मछलियाँ पाई जाती हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें भी अपन कहते हैं उत्सर्जन के रूप में किसका त्याग किया जाता है, अमोनिया का त्याग किया जाता है। तो ध्यान रखना अमोनिया का त्याग करने वाले जीव जो होते हैं मुख्य रूप से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जीव, मोलस्का संघ के, एनेलिडा संघ के, जलीय आर्थ्रोपोड्स, अलवणीय मछलियाँ आदि अपन कह सकते हैं इसी के अंदर पाई जाती है। तो ये बात थी अपन ने अमोनिया के बारे में, यानी कि अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं उसके बारे में। दूसरा अब अपन बात करेंगे यूरिया के बारे में, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन कौन से प्राणी करते हैं और क्या कहलाते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यूरिया, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यूरिया जो होता है ना वह भी अपन मान सकते हैं एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होती है, यह अमोनिया जो होता है ना अमोनिया से कम विषैला अपन मानते हैं। अमोनिया से क्या होता है, कम विषैला होता है। अब अमोनिया से कम विषैला होता है और अमोनिया की तुलना में जल में घुलनशीलता भी अपन मानते हैं कि इसकी क्या होती है, कम होती है। अमोनिया की तुलना में कम अपन इसे मान सकते हैं। इसलिए जिन प्राणियों के शरीर में अपन मानते हैं कि जो यूरिया होता है वह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मित होता है ना, उन प्राणियों में क्या किया जाता है कि जो अमोनिया बनता है ना शरीर के अंदर अमोनिया बनता है, तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अमोनिया को त्याग करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो कि अपन मान सकते हैं कि सभी जीवों के बस की बात नहीं होती है, केवल जलीय जीव वह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर जीव होंगे तो अमोनिया के रूप में उसका त्याग नहीं कर पाएंगे, या अपन कहते हैं अमोनिया विषैला होने के कारण ज़्यादा समय तक वह शरीर में नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर वह यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, वह संग्रह भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए, अपन मान सकते हैं उसको संग्रह रखा जा सकता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। अब यूरिया जो होता है, यूरिया को त्यागने वाले जो जीव होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं अपन, यूरियोटेलिक जीव या प्राणी के नाम से जानते हैं। यूरियोटेलिक प्राणी किन्हें कहेंगे, वे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका त्याग करते हैं, यूरिया का त्याग करते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। और यूरिया त्याग की जो प्रक्रिया होती है ना स्टूडेंट्स, यूरिया त्याग की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। ये दो बातें जरूर ध्यान रखना। अमोनिया में भी मैंने आपको बताया था अमोनिया त्याग करने वाले जीव अमोनियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं और क्रिया अमीनोटेलिज्म के नाम से बताई थी। यहाँ पर यूरिया की बात करें तो यूरियोटेलिक प्राणी और यूरियोटेलिज्म के नाम से मैंने आपको बताया है, तो ये जरूर से ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार के प्राणियों की अगर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो यूरिया का त्याग करते हैं, तो मुख्य रूप से देखिए एनेलिडा संघ के जो जीव आते हैं वह कह सकते हैं। इनके अलावा जो उपास्थिल और अस्थिल मछलियां आती है, उपास्थिल मछलियां, अस्थि मछलियां क्या होती है, यानी कि मछलियों का जो अंतः कंकाल होता है ना वह अपन मानते हैं कि कुछ का अस्थियों का बना होता है, बोन्स का, और कुछ का कार्टिलेज यानी उपास्थियों से निर्मित है माना जाता है। तो अस्थिल और उपास्थिल मछलियां भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा अपन मान सकते हैं जो उभयचर जो जीव जंतु होते हैं, उभयचर अपन किसे कहते हैं, उभयचर अपन कह सकते हैं कि जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उभयचर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं मैमल्स, जिसमें मनुष्य खरगोश वगैरह आदि को अपन सामान्य करते हैं, उनमें भी क्या किया जाता है, उत्सर्जन के रूप में यूरिया का त्याग किया जाता है। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एनेलिडा जो संघ होता है ना उसके जीव जंतु, इसके अलावा उपास्थिल जो मछलियां होती है वह भी इसमें शामिल की गई है। उपास्थिल मछलियों के द्वारा या इनके अलावा
अस्थिल मछलियां, उपास्थिल के लिए मैंने बताया, जिनका अंतःकंकाल उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है, जबकि अस्थिल मछलियां जिनका अंतःकंकाल अस्थि बोन्स या हड्डी से निर्मित होता है उन्हें कहते हैं। इसके अलावा बताया आपको उभयचर जंतु, तो उभयचर जंतु वे होते हैं जो जल व थल दोनों में निवास करते हैं, उन्हें अपन उभयचर के नाम से जानते हैं। मेंढक अपने एक उभयचर जंतु होता है जो जल और थल दोनों में निवास करता है। उभयचर जंतु के अलावा जो स्तनधारी जो जंतु होते हैं, मैमल्स वर्ग जो होता है, जिनमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो खरगोश और स्वयं में मनुष्य यानी कि हम लोग भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसमें त्याग किनका किया जाता है, इन सभी के द्वारा यूरिया का त्याग किया जाता है उत्सर्जन की क्रिया में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये यूरिया का त्याग। तो यूरिया क्या होता है, ये नहीं है कि अमोनिया नहीं बनता, अमोनिया बनेगा, अपनी बॉडी में भी अमोनियम बनता है, लेकिन वह क्या होता है, विषैला होने के कारण अपन उसको ज्यादा समय तक संग्रह नहीं कर सकते, इसलिए बॉडी में अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर अपन उसको शरीर में कुछ समय के लिए संग्रहित रखें तो किसी प्रकार का अपने को नुकसान न हो। फिर इसे त्यागने वाले प्राणी यूरियोटेलिक प्राणी, क्रिया यूरियोटेलिज्म है, एग्जाम्पल एनेलिडा उपास्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां, उभयचर जंतु, स्तनधारी जंतु, इनको शामिल किया है। अब तीसरा जो बचा हुआ है स्टूडेंट्स, वह अपने कौन सा है, यूरिक अम्ल जो होता है, वह भी एक प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो उसके बारे में भी देखिए अपन चर्चा करते हैं। थर्ड नंबर यूरिक अम्ल, ये देखिए यूरिक अम्ल जिसे अपन यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। तो यह क्या होता है, अमोनिया की तुलना में, यूरिया की तुलना में कम हानिकारक व कम विषैलापन इसे मानते हैं, त्याग करने के लिए, त्याग करने का मतलब शरीर से बाहर निकालने के लिए, त्याग करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, यानी अपन सीधा सा कह सकते हैं कि इसका त्याग वे प्राणी करते हैं जिनके शरीर में जल जो होता है वह बहुत ही कम होता है, या जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां पर जल की आपूर्ति क्या होती है, कम होती है, तो उनके अंदर अपन मान सकते हैं कि मूत्र के रूप में यूरिक अम्ल जो होता है वह उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले जीव, उत्सर्जित करने वाले जो प्राणी होते हैं या जो जीव होते हैं ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, यूरिको यूरिकोटेलिज्म है। यह क्रिया हो जाती है उत्सर्जित करने वाले, उत्सर्जित करने वाली क्रिया हो गई है, तो उत्सर्जित करने वाली क्रिया, क्या क्रिया को तो कहेंगे यूरिकोटेलिज्म है, और प्राणियों को क्या कहेंगे अपन, यूरिको प्राणी। यूरिको प्राणी के नाम से अपन इसे जान सकते हैं, यूरिकोटेलिज्म और यूरिको प्राणी अपन इसे मानते हैं। जैसे अमोनिया के लिए मैंने आपको बताया था कि अमोनिया का त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं और जीवों को अमोनोटेलिक कहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया तो यूरिकोटेलिक है, यहाँ पर जो प्राणी होंगे, एक मिनट, हाँ सही है, क्रिया तो यूरिकोटेलिज्म है और जो प्राणी होते हैं यूरिकोटेलिक प्राणी उन्हें अपन कहते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी के नाम से अपन उन्हें जानते हैं। ध्यान रखना उत्सर्जित प्राणी की बात की जाए तो यूरिकोटेलिक प्राणी, और क्रिया की बात की जाए तो यूरिकोटेलिज्म प्राणी कहलाते हैं। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि कम जल की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से इसके अंदर कीटवर्ग जो होते हैं उसे शामिल किया जाएगा, या अपने जो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप उनको शामिल किया जाएगा, या अपन कह सकते हैं जो मरुस्थलीय जीव जंतु होते हैं
उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, कीट, सरीसृप या मरुस्थलीय जीव, उनको अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि तीन क्या पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और इन्हीं के ऊपर अपन मान सकते हैं मानव का या अन्य प्राणी जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र डिपेंडेड होता है। तो इनके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है, एक तो उत्सर्जन की परिभाषा ध्यान में रखनी है, यानी कि प्राणियों के शरीर में अपन मान सकते हैं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार तंत्र होता है शरीर में वह कौन सा होता है, उत्सर्जी तंत्र होता है या उत्सर्जन तंत्र के नाम से अपने जानते हैं, और इसमें जो सहायक अंग होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर मानव की बात की जाए तो मानव में अपन देख सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आते हैं। तो इनके त्याग के लिए मैंने बताया था कि जो H2CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका त्याग तो अपन देखते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से होता है। H2O जो होता है उसका त्याग पसीने के द्वारा हो सकता है या मलमूत्र के द्वारा हो सकता है। इसके बाद में जो अमोनियम पदार्थ बताए थे आपको या नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जिसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, इनका उत्सर्जन तंत्र के द्वारा अपन कहते हैं मूत्र के रूप में त्याग किया जाता है। बात याद रखने वाली कौन सी है, एक तो तीनों के क्या रखने अपने को, एग्जाम्पल याद रखने, तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर ऐसे याद नहीं रहे तो सीधा सा एग्जाम्पल ध्यान रखना, अमोनिया में ध्यान रखना ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो जो जलीय जीव जंतु होते हैं ना उन्हें याद रख लेना अपने, जलीय जीव जंतु। यूरिया का इतना ध्यान रख लेना कि इसके अंदर कौन आते हैं, स्तनधारी जीव जंतु आते हैं, स्तनधारी जीव जंतु उनका नाम लिख सकते हैं। और यूरिक अम्ल कम जल की आवश्यकता होती है, तो मैंने आपको बताया कि कीटों को शामिल कर सकते हैं, जो अपने सरीसृप आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं, और साथ में जो मरुस्थलीय जो जीव जंतु आते हैं उन्हें अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इनका मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है। और तीनों की मैंने आपको क्रियाएं भी बताई थी, जैसे अमोनिया के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो अमोनोटेलिक नाम याद रखना है, और एक क्या याद रखना है, अमोनोटेलिज्म याद रखना है, अमोनोटेलिज्म। यूरिया के लिए अगर अपन देखें तो यूरियोटेलिक याद रखना अपने को, यूरियोटेलिक और एक यूरियोटेलिज्म याद रखना है। और यूरिक एसिड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको याद रखना है यूरिकोटेलिक और एक याद रखना है यूरिकोटेलिज्म, ये वर्ड भी अपने को ध्यान रखना है। ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, उत्सर्जी प्राणी, ये तो क्या है, उत्सर्जी प्राणी, और ये क्या है, उत्सर्जी क्रिया, यानी इन प्राणियों के द्वारा जो क्रिया होती है। तो समझ गए होंगे, अमोनिया त्याग करने वाले प्राणी जो अमोनिया को उत्सर्जन के रूप में त्याग करते हैं अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, और उनकी यह क्रिया अमोनोटेलिज्म कहलाएगी। यूरिया को त्याग करने वाले प्राणी तो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, और उनकी एक क्रिया क्या कहलाती है, यूरियोटेलिज्म कहलाती है। यूरिक एसिड जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, जो उत्सर्जी प्राणी होते हैं, और उनकी एक क्रिया जो होती है उसे अपन यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इन बातों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। अपनी जो अगली क्लास होगी ना उसमें अपन क्या बात करेंगे, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, मैंने शुरू में भी कहा था और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स घर पर देखकर यह वीडियो देख रहे हैं
घर पर रहकर वीडियो देख रहे हैं तो वह साथ साथ में नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए, क्योंकि अब अपन मान सकते हैं कि इस माह के में स्कूल खुलने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए घर पर रहकर तैयारी ज़रूर कीजिए और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में मानव उत्सर्जन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।